मुझे आई लव यू बोल। आई लव यू हर किसी को नहीं मिलता यहाँ पे जिंदगी में हर किसी को नहीं मिलता यहाँ जो कर जिंदगी में उल्टा पड़ गया। हो क्या हो गया? हर 15 मिनट में हाथ धो धो के मेरी लकीरें मिट गई। अब पता नहीं मेरी किस्मत को क्या होगा। ए लड़की, तुझे 4 दिन से देख रहा हूँ, डेली नए लड़के के साथ आती है तू इस पार्क में। आज कौन है ये? ये मेरा एक्स है। कितने एक्स बॉयफ्रेंड है तेरे? 10। और बॉयफ्रेंड? 40। और क्रश? 20। अबे इतने सारे? वो एक्चुअली मेरा दिल बहुत बड़ा है ना। अबे तेरा दिल है या बॉयज हॉस्टल? यार बड़ी अजीब सी बात है, फ्री फायर और पबजी खेलने वाले लोग आजकल लूडो खेल रहे हैं और तुम भी? अरे मम्मी लड़की का चक्कर, लड़की का चक्कर। हाय एंड सॉरी। हाय बेबी, बट सॉरी क्यों? अब मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकती। पर क्यों? कल ही तो तुमने मुझे प्रपोज किया था। वो ना कल मैंने सनम रे मूवी देखी तो थोड़ा सा रोमांटिक हो गई थी। अच्छा और आज क्या हुआ? आज सावधान इंडिया देखा, सो ब्रेकअप। इसकी माँ का लाइफ ओके मारू। प्रेम मेरी तारीफ में चार शब्द ही बोल दे। अच्छा तो सुन, तेरे पास बहुत दिमाग है, चलता नहीं वो अलग बात है, तू स्मार्ट भी बहुत है लेकिन कोई मानता नहीं वो अलग बात है, तेरी इज्जत भी बहुत है लेकिन कोई करता नहीं वो अलग बात है। तेरी इतनी बेइज्जती हो रही है और तू सुन रही है? वाह क्या बात है। ये लो खा लो। ओह नो भई, ये अजीब सा टेस्ट क्यों कर रहा है? अरे धनिया पुदीना और लौंग डाल के बनाई है ना। अबे ऐसा धनिया पुदीना और लौंग तू लाई कहाँ से? अरे वही तो नहीं मिला इसलिए मैंने पतंजलि का टूथपेस्ट मिला दिया। अरे अब ये बताओ, माना तुम्हारी जेब में 20 रुपए हैं। ए मैडम जी ऐसे कैसे मान ले, जेब में 1 रुपया भी ना। अरे मैं ये कह रही हूँ कि मान लो तुम्हारी जेब में 20 रुपए हैं। अरे मैडम जी कैसे मान ले जब है ही ना तो। अरे मेरा मतलब इमेजिन कर लो कि तेरी जेब में रुपए हैं। तो ठीक है मैडम जी, तुम भी मान लो कि मेरी 3 साल की फीस जमा, फिर मैं भी तुम्हारी बात मान लूंगा। जुआ लड़ा रहा है मुझसे, जुआ लड़ाएगा तू? ओहो मैडम जी तुम हम पे अपनी सारी बात मनवा लो, हमने एक बात मानने कह दी तो जुआ लड़ा रहा हो। इतने डंडे मारूंगी ना सारी बात मान जाएगा एक बार में। बैठ लीजिए। सोनू तुम इस सीट के नीचे क्या कर रहे हो? मैडम जी मेरी मम्मी ने दूध। मैं तेरे को एक बात बताऊं, अगर 2020 पूरा लॉकडाउन में चला गया ना तो मैंने उन सब लोगों पे केस कर देना है जिन्होंने मुझे हैप्पी न्यू ईयर विश किया था। भाई। हाँ भाई। मीठा आम कभी कच्चा नहीं होता, मीठा आम कभी कच्चा नहीं होता, मेरे बाबू ने थाना थाया वाला प्यार कभी सच्चा नहीं होता। यार प्रेम। हाँ? अगर बॉलीवुड और हॉलीवुड मूवीज को भोजपुरी में बनाया तो उनका नाम क्या होगा? जैसे कि 3 इडियट्स, 3 ठो बुर्बा, एनाकोंडा, आदमी खाए वाला सपवा, मिशन इम्पोसिबल ई ना हो पाई, मिशन इम्पोसिबल 2 हम पहले ही कहिल ई ना हो पाई, मिशन इम्पोसिबल 3 अबे कितनी बार बताई ई ना हो पाई। चल एक लास्ट गजनी, टकला का बदला। सुनो। हाँ बोलो। कौन सा सस्ता नशा करती हो? सस्ता नशा? मैं कुछ या कुछ लेती हो? कुछ भी नहीं लेती हूँ। तो लिया करो ना। क्यों? लेकिन और हरी भरी हो जाओगी। नहीं नहीं मुझे हरी भरी नहीं। अबे गज्जू कांग्रेचुलेशंस। अबे किस लिए भाई? भाई तू बाप बन गया यार। लेकिन मेरी तो शादी नहीं हुई। अबे वो मेरी गली की कुतिया है ना। हाँ? उसने 6 बच्चे दिए और सबकी शक्ल तुझसे मिलती है। अरे तेरे बॉयफ्रेंड का फोन आ रहा है, उसको बोल मैं बाद में बात करती हूँ, गेम खेल रही हूँ। हेलो बेबी। यार एक तो ये बाहर नहीं निकल पा रहा मैं, भगवान एक बार ये कोरोना मेरे हाथ में आ गया ना। सॉरी हाथ में नहीं, हाथ में नहीं, मेरे मुंह से निकल गई।
हाथ में रही, हाथ में रही, मेरे जवान फिसल गई। सारे गामा पादानी सा बाबू। हाँ हमें निशा ही क्यों पाती है? ओ भाई, लॉकडाउन के कारण इतना ज्यादा मौसम साफ हो चुका है कि कल रात को हमारी छत से मतलब यार कुतुब मीनार दिखाई दे रही थी। तुम्हारी कसम, बस सुबह पता चला कि वो ईंट का भट्टा है। ये जो बोलते हैं ना कि उसकी लड़की इसके साथ फंसी है, उसका लड़का इसके साथ फंसा है, उसकी बीबी उसके साथ फंसी है, उसका पति उसके साथ फंसा है, ये फंसा फंसी वाला नाम जो है ना ये अभी दिया है। पहले इसको प्यार बोलते थे, मोहब्बत बोलते थे, फंसा फंसी नहीं बोलते थे। नो 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 नो। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। सलोनी। हाँ? तेरी रिपोर्ट आ गई है, डॉक्टर ने बोला तुझे ब्रेन कैंसर है। है सच्ची? हाय, मतलब मेरे पास ब्रेन भी है। ये सब्जी जो तुमने बनाई है इसका नाम क्या है? अरे क्यों पूछ रहे हो? अरे मुझे भी तो ऊपर जाके जवाब देना पड़ेगा, क्या खा के मरे थे? बेटा बताओ, बहुवचन किसे कहते हैं? सर अमिताभ बच्चन की बहू को बहुवचन कहते हैं। भाई मुसीबत में किसके पास जाना चाहिए? माँ के पास रे। माँ के पास क्यों? माँ मुसीबत से लड़ना सिखाती है। बाप तो मुसीबत को ही उखाड़ फेंकता है। जले पे नमक छिड़कने का मतलब बताओ? गोल गप्पे के सपने आना। एक्सक्यूज मी मैम, आपके पापा के पटाखों की दुकान है क्या? नहीं, क्यों? आप किसी बॉम्ब से कम नहीं हो। बताओ बादाम रोज खाने से क्या होता है? बादाम खत्म हो जाते। मेरी गर्लफ्रेंड है ये। तेरे से पहले मेरी दोस्त है ये। ये मेरे से इतना प्यार करती है कि मेरे लिए किसी की जान भी ले सकती है। ये मेरे से इतना प्यार करती है कि ये मेरे लिए अपनी जान भी दे सकती है। एक मिनट रुक, अभी आया मैं। ले पी। ये है जान बचाने की गोली और ये है जहर। अब देखते हैं तुम किसको बचाती हो। तुम्हारे लिए किसी की जान ले भी सकती हूँ। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे भी सकती हूँ। अरे पागल, इसमें कुछ नहीं था। ये क्या किया तूने? तेरी वजह से सारी स्वीट की दुकान बंद हो गई है। मैंने क्या किया? तो इतनी स्वीट क्यों है तू? सारे संसार। हेलो। हेलो। कौन? मैं कविता बोल रही हूँ। हाँ बोलो, मैं ताली बजा रहा हूँ। तेरी मम्मी का बर्थडे यार, समझ नहीं आ रहा है क्या गिफ्ट दूँ उनको। मेरे पापा का नंबर दे दे। Oh no! तू तो शर्मा जी का बेटा है ना, और तेरे पापा का नंबर 8531 3131 है। तुझे कैसे पता? भाई कौन थी वो? बहन थी मेरी। चलो बच्चों बताओ, अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम क्या है? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप। सर, पेट्रोल पंप। हाँ ये देखो ना, ये लोग खराब हो गया है, इसको बनाना है। हाँ मैडम, बन गया। बन गया? अच्छा कितना हुआ? 2500 रुपए। 2500? नहीं नहीं, बहुत ज्यादा है। नहीं नहीं मैडम, उससे कम नहीं होगा। अच्छा एक काम करो, 21 ले लो। ठीक है, लेकिन होट पे लूंगा। साले 2100 बोली दरिंदे, जा 1 रुपए भी नहीं दूंगी, चल निकल। जय बोलना, जय बोलना, जय बोलना। पीछे देखो, पीछे देखो, पीछे देखो, तुम सभी को बाप आ रही है। अब यार कुछ भी कहो, लेकिन मैं तो इस लॉकडाउन में बहुत खुश हूँ। अगर कुछ दिन और नुई घर में पड़ी रही ना, तो अंग्रेज भी मुंह देख के नू कहेंगे, ओ माय गॉड, इतनी गोरी लौंडिया। चला लग जाएंगे मौसम। अच्छा नूर, बॉयज की फुल फॉर्म बता। देख, बदमाशियों में सबसे आगे, उल्लू की तरह रात भर जागे, यारी निभाए जान लगा के,
शरीफ सिर्फ मम्मी पापा के आगे। अच्छा तू गर्ल्स की फुल फॉर्म बता। अच्छा तो फिर सुन, गुस्सा हमेशा नाक पर, इतराने में सबसे आगे, रोने की ऑटोमेटिक मशीन, लड़ने में सबकी नानी, फिर भी दुनिया इनकी दीवानी। अरे ऐसा नहीं चलता हिंदुस्तान में, अपने देश में। अरे संस्कार संस्कृति कौनो चीज है, एकदम पूरा ऐसे दिखा दिया, बहुत गंदा लगता है, ऐसा नहीं दिखाना मांगता है। मगर गुप्ता मजा बहुत आया रहा। चुनाव में एक नेता भाषण दे रहे थे चिल्ला चिल्ला के, बोल रहे थे हीरे को हीरा काटता है और लोहे को लोहा काटता है। इतने देर में उनको एक कुत्ते ने आके काट लिया। ये न्यूज पढ़, पत्नी फेंको लैला ले जाओ। अरे यार चश्मा कहाँ है तेरा? पन्नी फेंको थैला ले जाओ। एक लड़के का टेक्स्ट आया इंस्टाग्राम पे, कहता तेरी वीडियोस। यार मैं भौंक रहा हूं ना, तेरा भौंकना जरूरी है? एक ही बात है भाई, शांत हो जा, वीडियो बनाने दे साला आथू। यार मोल गए मेरे रिश्तेदार, पागल पागल दिखे, हर बार नहीं पूछते रहेंगे पढ़ाई कैसे चल रही है, पढ़ाई कैसे चल रही है। पढ़ाई की ना टोंग में दर्द है, चल ना पा रही हूँ। यार कभी नू तो पूछते ना है, ब्याह करवा दे, ब्याह कद कर रही है, 20 साल की होगी मैं। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक सवाल लेके आया हूँ। एक क्लास में दो सगे भाई थे, दोनों का नाम था झा। टीचर पहले को झा वन बुलाती थी, तो दूसरे को क्या बुलाएगी? बोलो बोलो, अगर जवाब पता तो कमेंट सेक्शन में बता दो, कोई ना दे पाएगा जवाब, मेरे को पता है। यार तू पढ़ता भी नहीं और पास भी हो गया है, चक्कर के है तेरा भाई, चीटिंग करता हूँ। अरे ये तुमने कैसे बजाई? ये तुमने मुझे आती है, माँ ने मुझे सिखाया था, बताओ। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। आपको पता है ज्यादा दिन सिंगल रहने से ना आप मर सकते हैं। हाँ सच्ची में, ज्यादा दिन सिंगल रहने से आप मर सकते हैं, कभी भी और किसी पर भी। आज आप 4 घंटे से कहाँ गायब थे? मॉल में। क्या लिया? सेल्फी। हेलो गाइस, पता है आपको, पहले मैं शादी के पहले खाना खाता था, और जब से मेरी शादी हुई तब से थाना थाया, मतलब खाना का सब थाना ही बदल गया। थाना आपने थाना। चल खड़ा हो, 14 फ्रूटों के नाम बता। सर सेब, हाँ संतरा, हाँ एक दर्जन केले। तू मेरे खातिर क्या कर सका है? कुछ भी। चाय पीनी छोड़ दे। कौन है तू? तुम दिल मांगो दे देंगे, तुम धड़कन मांगो दे देंगे, तुम जिगर मांगो, चाहे तुम जान मांगो वो भी दे देंगे, क्योंकि ये चारों फिल्मों मैंने डाउनलोड करके रखी है। और भाई पढ़ाई में क्या कर रहे हैं? भाई इंजीनियर बन गया मैं। भाई कौन सा इंजीनियर? भाई सिविल इंजीनियर। मतलब? भाई बिल्डिंग बिल्डिंग बनाता हूँ मैं। अच्छा मिस्त्री है। मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये कुत्तों को चलती बाइक के पीछे भाग के मिलता क्या? ना तो इनको बाइक चलानी होती है, ना इनको लाइसेंस चेक करना होता है। तुम लड़कियों को हमारे लड़कों का दिमाग चाट के क्या मिलता है? सुकून। तुमको भी। अच्छा नूर मेरे एक सवाल का जवाब दे, मान ले तू कोक पी रही है और उसमें से एक मच्छर निकला, तो वो मच्छर तुझे क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? माँ। वो क्यों? क्योंकि वो तेरी कोक से निकला है। यार तुम लड़के ना इंग्लिश में कितने कमजोर होते हो। अबे नूर तेरे को 3 वीडियो में बता चुका हूँ, लड़के किसी चीज में कमजोर नहीं होते। अच्छा तो फिर मेरे इस सवाल का जवाब दे, इट इज वेरी डेंजरस, इसमें इट किस लिए यूज होता है? इट ईट वैसे तो सर फोड़ने के लिए यूज होता है, लेकिन कई कई बार लोग इससे घर भी बना लेते हैं। लॉकडाउन की छुट्टी के बाद स्कूल की 1 महीने वाली छुट्टी कब पड़ेगी बताइए? कुछ तो शर्म कर, इतनी छुट्टी कम है क्या भूतनी के?
यार एक्सक्यूज मी, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। हाँ बोलो। मान लो 10 साल बाद तुम्हें एक लड़की होती है और मुझे एक लड़का होता है। हाँ? अगर मेरा लड़का तुम्हारी लड़की को छेड़ेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा, बहुत बदतमीज है तुम्हारा लड़का तो। तो इसका एक सॉल्यूशन है मेरे पास। क्या? अपन दोनों शादी कर लेते हैं तो वो दोनों भाई बहन हो जाएंगे। मणि क्या कर रही हो? सब्जी बनाने। नहीं बनेगी सब्जी, पोहे बनेंगे। क्या बनेंगे? पोहे। पोहे निकाल। बेबी तुमको पता है आज मैंने नहाते समय शैम्पू सर पे भी लगाया और कंधे पे भी लगाया। पागल हो गए तुम, कंधे पे शैम्पू कौन लगाता है? अबे पागल होगी तू, पगली शैम्पू पे ही तो लिखा था हेड एंड शोल्डर। भाई तूने बल्लभ के ऊपर अपने बाप का नाम क्यों लिखा हुआ है? भाई बाप का नाम रोशन करना है। तुझे पता है किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए वरना तू जिसके ऊपर हंसेगा ना उसके जैसा ही हो जाएगा। साला अंबानी। और बहन गुटखा खाएगी? ये कोई अच्छी चीज खाने की? बीड़ी ला बीड़ी। रुक रो, मेरे पापा का फोन आ रहा है। हाँ पापा। हाँ मैं मार्केट में हूँ। आलू ले लो, प्याज ले लो, सस्ती शराब ले लो। ने कुछ सिखाया नहीं कि घर की लड़कियों को झाड़ू पोछा करना चाहिए? बस दिन भर गाने सुनती रहती हो। क्या बोले? दीदी पैर ऊपर करिए, झाड़ू लगाना था। मैं बिना तुझे हाथ लगाए थप्पड़ मार सकता हूँ? हो ही नहीं सकता। लगी शर्त? हाँ चलो लगी। 10-10 की लगी। तो लग गया, तुम हार गए। ये रख ले 10 रुपया। नाम क्या है आपका? कोमल। बड़ा अच्छा नाम है। और आपका? लिख के बताएं कि देखे? मतलब? अरे हमारा नाम पप्पी। भाई ये बता, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या फर्क है? भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इंसान की जान जाती है। और भाई प्राइवेट में? भाई प्राइवेट में इंसान की जान, जमीन और जायदाद सब जाती है। यार देखियो, ये मानने को तैयार ही नहीं है कि तेरी भी गर्लफ्रेंड है, बताइए जरा। हाँ भाई है मेरी गर्लफ्रेंड, और एक नहीं 5-5 है, और 5ों को मैंने अपने बाप के पैसे से आईफोन दिला रखा है। बस भाई इतना बहुत है। वैसे ये है कौन? तेरे पापा। अंकल जी हो गया यकीन? I love you. पहले बताओ तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं। कोई बेस्ट फ्रेंड? नहीं। कोई एक्स? नहीं। I love you too. भाई बहुत सही बंदी है यार। वो ना बस मेरा एक पति है। ये लड़का। तुम कल मिलने क्यों नहीं आए थे? यार कल मेरे घर पूजा थी। और परसों? परसों मैं पूजा के घर था। मुझे दो बातें समझ में नहीं आती। कौन सी? तुम लड़कियां बोलती हो कि लड़के ज्यादा मूर्ख होते हैं। सही बोलती हूँ, लड़के सारे मूर्ख होते हैं। तो फिर दूसरी बात ये क्यों बोलती हो कि हम लड़कों से कम नहीं है? हेलो भाई साहब, ये सब्जी की दुकान से बोल रहे हो आप? हाँ सब्जी की दुकान से बोल रहा हूँ। ये जरा सब्जी लिखोगे आप प्लीज? हाँ लिखवाइए। आप लिखो 1 किलो आलू, 1 किलो बैंगन, 100 ग्राम हरी मिर्ची, आधा किलो प्याज। आधा किलो प्याज लिखा। हाँ, लिख लिया आपने सब? लिख लिया। धनिया लिखो क्या सर? धनिया मत लिखो, धनिया मत लिखो, जो मैं बता रहा हूँ आप वो लिखो। आधा किलो कटहल लिखो। आधा किलो कटहल। सही से लिखा? चेक कर लो एक बार, सही से लिखा है? सही से लिखा है। सही से लिखा है ना? एक सेकंड रुकिए। गोलो इधर आओ बेटे। ये देखो अंकल ने सारी सब्जी लिखी नहीं लिखी? ये पेपर था, कहता है पापा मेरे तो 3 सब्जी के आगे लिखा ही नहीं गया। ये लिखा है नहीं लिखे है? लिख सकते ना इतनी सब्जी, और साफ साफ लिखा है इन्होंने, कदा कहीं का। ये सब्जी भेजनी कि नहीं भेजनी? नहीं नहीं सब्जी क्यों भेजनी है, मैं तो लिखने के लिए कह रहा हूँ, सब्जी नहीं भेजनी। सुनिए। हाँ? मेरी एक बात का सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ बोलो ना। आपने पड़ोसन को लाइन मारना बंद कर दिया? नहीं। हाँ? यार एक बार समझ नहीं आई आज तक, ये मैगी मेल है या फीमेल? फीमेल है। कैसे? 2 मिनट का वादा करके 10 मिनट में बनती है।
मार लो लेकिन मेरे को घर तक छोड़ना पड़ेगा। मेरे को फिर शर्म नहीं आती आपको लोगों से मार खाते हुए? मार खाने में कैसी शर्म भाई। आए मैं डॉक्टर, मैं दवाई ले लूंगा, ठीक हो जाऊंगा।